भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा की गई बयानबाजी के बाद मची अफरा तफरी को लेकर शासन स्तर पर लगातार स्थिति को कंट्रोल में किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी उद्देश्य को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अपने कार्य को किया जा रहा है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में की गई तैयारियों के चलते जनपद में पुलिस द्वारा जहां फ्लैग मार्च निकाला गया तो वहीं शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार जनमानस से अपील भी कर रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया गया और धर्मगुरुओं द्वारा भी लगातार अपील की गई कि कोई किसी तरह की बयानबाजी ना की जाए, नमाज पूरी शिद्दत के साथ पढ़ी जाए और नमाज के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं। आज शुक्रवार को धर्मगुरुओं की अपील का असर देखने को मिला। नमाज संपन्न होते ही सभी नमाजी अपने घरों की तरफ कूच कर गए और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। पाकबड़ा जामा मस्जिद में पुरखुलूस माहौल में नमाज अदा की गई तो वहीं जामा मस्जिद के बाहर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा शरबत वितरण किया गया और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया गया। इस दौरान सीओ हाईवे देश दीपक सिंह एवं उप जिला अधिकारी सदा प्रशांत तिवारी व एसडीएम निखिल कुमार मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते दिखाई दिए। सिटी चैनल से बात करते हुए उप जिला अधिकारी सदर द्वारा क्षेत्र की जनता को खुशामदीद कहा गया और कहा गया कि पाकबड़ा क्षेत्र की जनता गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है जो आपसी एकता भाईचारे के रूप में जानी जाती है। संपूर्ण थाना पाकबड़ा क्षेत्र में और हाईवे क्षेत्र में सिंगल हाईवे के साथ हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया। औचारिक निरीक्षण जैसे विगत दिवसों की बात करते रहे तो नमाज सर्कल शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। क्या अपील रहेगी सर आने वाले दिनों के लिए आम जन से? पहले तो क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सबने साथ रह करके एक साथ गंगा जमुना तहजीब का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न किया है और आगे भी इसी तरीके संपन्न करते रहें, यही जनपदवासियों से अपील है।